शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस समय एनसीबी की कस्टडी में हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आर्यन को क्रूज में हो रही ड्रग्स पार्टी के मामले में बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया था और आज उनके जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ खत्म नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन खान टूट गए। आर्यन अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोने लगे। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन से फोन पर बात की है। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से आर्यन की अपने पापा शाहरुख से करीब 2 मिनट बात करवाई। हालांकि इस दौरान आर्यन पूछताछ में लगातार रो रहे थे और रोते हुए उन्होंने कई खुलासे भी किए। एनसीबी पूछताछ में आर्यन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। एनसीबी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स सेवन कर रहा है और भारत के बाहर भी यूके, दुबई या बाकी के देशों में आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया है। आर्यन और अरबाज लगभग 15 साल से दोस्त हैं। आर्यन फिल्म मेकिंग से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने आर्यन, अरबाज, मर्चेंट समेत केस में बाकी आरोपियों का फोन जब्त कर सारे मैसेज खंगाले थे कि आर्यन कई ड्रग पैडलर और ड्रग सप्लायर के टच में थे। उस सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने दोनों आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाया और खूब सवाल जवाब किए। एनसीबी की हिरासत में आर्यन ने क्रूज में अपनी मौजूदगी को लेकर सफाई देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें गेस्ट के तौर पर क्रूज में बुलाया गया था और उन्होंने इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। आर्यन ने यह भी दावा किया कि उस पार्टी में उनके नाम पर लोगों को इन्वाइट किया गया था। बहरहाल अब इस खबर को लेकर आगे क्या नया अपडेट आता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।